बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी एग पराठा रोल, वो भी मेरे स्टाइल में। क्रिस्पी एग पराठा रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक कप मैदा लिया है, इसको गूंद लिया है जिस तरह आप आटा गूंदती हैं रोज़ाना। नीम गर्म पानी लिया है और हसबे जायका नमक डाला है। इसमें 2 टीस्पून मैंने ये देसी घी डाला है। आप देसी घी डाल लें, बटर डाल लें, कुकिंग डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने 5 मिनट इसे गूंदा है और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आपने भी उसी तरह ही करना है। किसी दिन मैं आपको गूंदना भी बताऊंगी। ये मैंने प्याज काटा है बारीक बारीक आमलेट कट की तरह, इसी तरह ही मैंने ये टमाटर काट लिया है बारीक बारीक, और ये मैंने सब्ज़ मिर्च काटी है बारीक बारीक, ये धनिया काट लिया है। ये मैंने 5-6 टीस्पून मैंने देसी घी लिया है। ये 3 एग लिए हैं मैंने। ये 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है। 1/4 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। 1/4 टीस्पून ही ये काली मिर्च का पाउडर लिया है। उसको फेंटेंगे हम। अब हम ये प्याज डाल देंगे। ये टमाटर डाल देंगे। ये सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। ये धनिया डाल देंगे और ये मसाले डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरह आपने पेड़े बनाते जाना। अब हम ये पराठा बनाएंगे। ये मैदा जो है नीचे डस्ट करेंगे। ये रोटी मैंने बेल ली है, ये देखें। अब इसमें इसके ऊपर घी लगा दें। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फोल्ड करना शुरू कर देंगे। अब इसे ऐसे फोल्ड करते जाएं। ये देखें, इस तरह आपने पेड़ा बनाना है। इस तरह बना के रखते जाना है। कि मैं रोटी बेल ली है, अब इसके ऊपर घी लगाएंगे उसी तरह ही। अब थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। अब इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये नरम नरम हाथों से फोल्ड करते जाना है आपने।
फिर इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना है। देखिए फिर फोल्ड करेंगे। और ये वाला हिस्सा नीचे रख देना है। ये देखें दोनों साइडों से इस तरह आपने करना है। डस्ट करेंगे नीचे और ये पराठा बेलेंगे। देखिए इस तरह आपने तैयार कर लेना है। अब फ्लेम जो है आपने मीडियम कर लेनी है। जब तवा गर्म हो चुका है अब हम ये पराठा डालते हैं ऊपर। ये देखिए पराठे का ये कलर आ गया है। आपने कच्चे पराठे को घी नहीं लगाना। अगर आप कच्चे पराठे को घी लगाएंगे तो ये बहुत हैवी हो जाता है। अब ये घी लगाएंगे, इस तरह का कलर हो जाए तो फिर घी लगाना। ये देखें अब ये अंडा डालेंगे। ये फैला देंगे। अब हम इसे आस्ता से इसकी साइड बदल देंगे। ये थोड़ा थोड़ा दबाएंगे इसे। ये देखिए अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। ये तैयार हो गया हमारा पराठा। अब हम दूसरा तैयार करेंगे। देखिए मैंने उसी तरह यह पराठा बना लिया है। ये आपने घी लगाना इतना पका के, कच्चे को आपने घी नहीं लगाना। वो अंदर से कच्चा रहता है, पकता नहीं है, हैवी हो जाता है। आपने इतना पका के घी लगाना है। ये देखें इतना प्यारा कलर आ जाए ना। अब इसके ऊपर ये अंडा डालेंगे। इसको फुलाएंगे। आस्ता से इसके साइड चेंज कर देंगे। इसको दबाएंगे। ये देखिए आप इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। ये देखिए तीनों पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक का ये रोल बनाएंगे। ऐसे आपने ये देखें इस तरह आपने कर लेना है। ये आपने इधर से ऐसे कर लेना और दूसरी तरफ से
इसे काटना है। ये देखें, ये तैयार हो गए हमारे रोल। अब हम डिश ऑन करके दिखाते हैं। तैयार है हमारा क्रिस्पी एग पराठा रोल। पराठा आप दही के साथ सर्व करें, रोल आप केचप के साथ सर्व करें। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।